हे फैम, सो कैसे हो आप सब लोग। शिमला से आते हुए नोएडा की तरफ जाते हुए हमें रास्ते में पिंजौर गार्डन दिखा, जो कि पिंजौर में यादव इंद्रज का नाम है। 25 रुपये की टिकट लेके हम गए। सो ड्राइवर जो थे भैया, उन्होंने बताया कि वो यहाँ आ रखे हैं। काफ़ी अच्छा बड़ा गार्डन है, फ्रूट्स के पेड़ हैं। सब्सक्राइब करना मेरा। तो हमने भैया को बोला कि जरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हम भी शाम के समय गए थे यहाँ पे। इन्होंने हर थोड़े स्टॉप के बाद ये बना रखे हैं, शीश महल, हवा महल, और पानी इसके अंदर से होते हुए एंड तक जाता है। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जल महल, फूड कोर्ट है, फिर रंग महल है, रेस्टोरेंट बार है। तो नीचे जाने के लिए रास्ता स्टेयर्स भी है और नॉर्मल वॉक भी है। देखिए काफ़ी दूर तक है, काफ़ी सारी ग्रीनरी है, पेड़ हैं। ये देखिए हम यहाँ से नीचे उतर के अब दूसरी जगह, दूसरे एरिया में जा रहे हैं। ये देखिए पानी। तो काफ़ी सारे फ्रूट्स के पेड़ हैं यहाँ पे, चीकू है, आड़ू है, आम है। अगर आप कोई भी फ्रूट तोड़ना चाहते हैं तो आराम से तोड़ सकते हैं, बस 100 रुपये पर फ्रूट चार्ज है तोड़ने का। और बाकी जो पेड़ के नेचुरल फ्रूट टूटे हुए रहते हैं वो भी आगे वो पर्सन बेचता है, तो आप क्या उसको सेल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो ये अब हम रंग महल में आ गए हैं। सो काफ़ी अच्छा वेल डिज़ाइंड है चीज़ें। ये देखिए पानी। तो यहाँ पे ये वाला पानी अभी फ्लो में नहीं है, पानी रोक रखा है। ये पे पानी आगे जाता है, पानी तो ये देखिए वो बिल्कुल एंड तक है ये गार्डन पूरा। तो ओनली 25 रुपीज़ की टिकट है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है। अंदर फूड कोर्ट भी है अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह लेने हैं उसके लिए। देखिए यहाँ पानी रोक रखा है। देखिए कितने सारे ग्रीनरी है। ये देखिए स्टूडेंट का ग्रुप हुड़दंग मचाते हुए जा रहा है। ये देखिए पानी रोक रखा है, तो पानी अभी आगे नहीं है, सफाई का काम चल रहा है। पर दोनों साइड के कई सारे पेड़ पौधे हैं, तो शाम के समय लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ये अगर पानी रहता है तो ऊपर से फुट ओवर ब्रिज भी बना रखा है। तो यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर में जो है पार्क के, आपको कपल्स लोग भी छुपे हुए बैठे हुए मिल जाएंगे। सो उनको ज़रा देख के ध्यान से वॉक करें। सो एक फनी इंसिडेंट हुआ, भैया हमारे साथ जा रहे थे, उन्होंने पब्लिक जा रही थी उनके बगल में, उन्होंने उनको सुनाते बोला अरे पेड़ में आलू क्यों लगे हुए हैं। और फिर वो अचानक से उनमें से एक स्मार्ट बंदा बोल पड़ा, ये आड़ू थोड़ी है, ये तो आलू थोड़ी है, तो चीकू है। तो भैया है चीकू है तो फिर आलू का लगे। तो बंदा बोलते हैं आलू तो ज़मीन के नीचे लगते हैं। और उतने में हमें हंसी आ गई बुरी से, हम भागे और भैया कह रहे अरे तुमने हंसा दिया, प्लान बेकार करवा दिया। मैं उससे पूछता कि आलू कैसे लगता है। ये देखिए चीकू, चीकू का पेड़ है, चीकू लगे हुए हैं। फ्रेश चीकू खा सकते हैं 100 रुपये फाइन के साथ। ये देखिए कितना बड़ा पार्क है। मेन रोड से ओनली थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 5-10 मिनट का रास्ता है अंदर, ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर अंदर है ये गार्डन। ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में वो फ्रूट्स का स्टॉल लगा के बैठा है, जो भी फ्रूट्स हैं, जो फ्रूट्स पेड़ से टूटे होंगे वो रहे सामने। ये देखिए लीची का बाग है। देखिए सपोता का भी बाग है आगे, 1 एकड़ का बाग है ये, तो ये पेड़ के फ्रूट्स है 1 एकड़। चलो अच्छा।
अच्छा ये आम लग रहे हैं, ये देखिए आम लग रहे हैं, छोटे छोटे आम लग रहे हैं। ये देखिए अभी मैंगो का पेड़ है, लीची का पेड़ भी है। ये चीकू का पेड़ है, कोई भी चीकू में पास दिखा नहीं जो पका हुआ हो, तो इसलिए तोड़े नहीं। देखिए काफी ऊपर ऊपर है तो इसलिए नहीं तोड़ा कोई भी। ये देखिए जैसे मेन रोड से अलग रास्ता कटता है तो यहाँ आगे तक भी जा सकते हैं देखने के लिए। आगे तक पूरा बाग है, पेड़ है। तुम रुक जाओ, मैं वीडियो बना के आ रहा हूँ। भैया ने बोला कि उन्होंने एक आगे प्रेमी जोड़ा देखा है तो इसलिए हमने 100 रुपये जुर्माना लिखा हुआ है। सोचा कि हम दोनों आगे जाते हैं, देख के आते हैं क्या कर रहा प्रेमी जोड़ा। तो देखिए 100 रुपये जुर्माना लिखा हुआ है फूट तोड़ने पे। ये देखिए कॉर्नर में बैठ सके जो मेरे साथ एक भाई थे विकास भाई, उन्होंने प्रेमी जोड़े को डायलॉग मारा, तुम क्या यहाँ के रखवाली कर रहे हो इतने कॉर्नर में, 100 रुपये फाइन तुम लोगे। बोलता नहीं नहीं तोड़ लो फ्रूट, कोई नहीं देख रहा। तो भैया ने उसको बोला कि ये लड़की खास थी तो उसको दवाई क्यों ना खिलाता कुछ, उसका ध्यान क्यों नहीं रखता इसे इसका कुछ। और फिर हम वहाँ से भाग के आ गए। तो फिर रास्ते में रोज़ गार्डन दिखा है, रोज़ फ्लावर्स हैं कुछ। फिर हमने सोचा कि चलो जाते जाते हम थोड़ा कैंटीन भी देख लेते हैं। ये देखिए कितनी क्लीन एंड मेनटेन गार्डन है सारे के सारे। ये देखिए तो हमने सोचा फूड कोर्ट जाते हैं तो फूड कोर्ट से। तो पिंजौर में एक फेमस गोलगप्पे वाला भी है, पिंजौर की गोलगप्पे बहुत फेमस है। तो भैया ने कहा बट हमें मिला नहीं कहीं खाने के लिए, यहाँ पे एक फेमस यहाँ पे एक गोलगप्पे वाला था तो हमने वो ट्राई किया। ये देख सकते हैं आप, ये रहा गोलगप्पे वाला कॉर्नर में। उसके बाद हम वापस घर की तरफ आ गए। ओके बाय 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 बाय।